Okay, so 10 sources to generate leads in network marketing business. Now the thing is, this is a topic जिसके ऊपर हम अक्सर सोचते रहते हैं कि यार आज मैं क्या करूं, कहां से मैं लीड जनरेट करूं, किससे मैं बात करूं. Now the thing is, आज का ये जो सेशन मैं आपको दे रहा हूं, इससे आई होप दैट यू विल हैव अ वेरी गुड मैं बोलूंगा प्रोसेस आपको मिल जाएगा, या फिर आपको कुछ ऐसे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे. जब आप, मैं एक ही करके इन सब चीजों को एक एक करके ओपन करूंगा, जब आप इनको जस्ट फॉलो करेंगे ना, मैं आपको बोलूंगा जस्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर यू कैन मेक सम नोट्स. इन सब चीजों को ही अगर आप एक एक चीज को, एक एक सोर्स को अगर आप टैकल करें, मतलब कि एक तरीके से इसी पे, एक पर्टिकुलर सोर्स पे भी फोकस करेंगे, देन यू कैन जनरेट लॉट्स ऑफ लीड्स. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज एट ऑल. इन दिस सेशन यू विल हैव अटमोस्ट क्लैरिटी ऑन हाउ टू जनरेट लीड्स इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. इस सेशन में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि लीड को जनरेट करने के बाद कैसे आगे लेके जाएं, वो एक अलग स्किल होती है, बट लीड्स मिलेंगी कहाँ से. ओके, सम लीड्स जनरेशन सोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी हैं, जो कि आपको पता ही होंगी, बट आई एम गोइंग टू शेयर सम मोर स्टफ ऑन ऑल दोस थिंग्स. ओके, इफ यू आर रेडी फॉर इट, जस्ट टाइप BIO मीन्स ब्रिंग इट ऑन. जस्ट टाइप BIO एंड आई एम गोइंग टू नाउ शेयर विद यू Number one source is, you already know, that is Facebook friends. Okay, now Facebook friends, देखिए हम सभी के Facebook friends हैं, कोई ना कोई, मतलब I mean किसी के 400 friend है, किसी के 500 friend है, और कुछ रिश्तेदार भी होते हैं Facebook में. Now let me tell you, ये चीज आपको पहले से पता है. Okay, but I want to tell you that Facebook में, Instagram पे आपके जितने भी, जस्ट एक असाइनमेंट की तरह, इस एक एक्सरसाइज की तरह करिएगा इस सेशन के बाद. फेसबुक में जाइए, फ्रेंड्स लिस्ट को अपनी देखिए, और वहां पे ये चेक करिए कितने ऐसे लोग हैं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है. क्योंकि मोस्टली नेटवर्क मार्केटर्स के फ्रेंड्स में वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में है. जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में है, आपके क्रॉसलाइन, आपके अपलाइन या कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स, इफ दे आर इन योर फ्रेंड लिस्ट, एक्चुअली दे आर नॉट योर प्रोस्पेक्ट्स. ओके, सो जस्ट आइडेंटिफाई आउट ऑफ 500 फ्रेंड्स, अगर आपके 500 फ्रेंड्स है तो आइडेंटिफाई करिए कि लगभग कितने लोग ऐसे होंगे. जस्ट लिखना नहीं है, जस्ट गो थ्रू करिए कि कितने ऐसे लोग हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, रफ परसेंटेज, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक नहीं आई है. नाउ दीज आर योर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स. ओके, सो जब हम सोचते हैं कि यार एक लीड्स, एक प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाओ, तो दिस इज अ ब्रिलियंट वे टू create a list of all these things. और Facebook में एक option भी आता है to group your friends. Okay, कुछ को आप कर सकते हैं close friend, कुछ को आप कर सकते हैं school friend, ये friend, वो friend. मैं आप लोगों को एक simple सा assignment दूंगा, which is very very simple. Okay, let's not make it complicated. आप simple सा एक prospect list बनाइए, और उसमें अपने Facebook के सभी friends को go through करिए, और लिखिए कि मेरे college के कितने दोस्त थे, मेरे, उनका नाम लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रहेगा. आपके location, मान लीजिए मैं नोएडा में रहता हूँ, तो नोएडा के कितने लोग हैं, नोएडा लोकेशन स्पेसिफिक, इंटरेस्ट स्पेसिफिक, जैसे आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट स्पेसिफिक कितने लोग होंगे यहाँ पर जो आपके साथ पहले क्रिकेट खेलते थे. नाउ दिस इज अ स्मार्ट वे टू क्रिएट अ प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट. जब ये लिस्ट बन जाती है ना, देन देयर इज अ कंप्लीट वे कि अब इन लोगों को किस तरीके से आप अपने बिजनेस की तरफ लेकर आए. एंड नंबर वन वे इज, जब आपने इस तरीके की bifurcated लिस्ट बना ली होती है फेसबुक के फ्रेंड्स निकाल कर, कितने रिलेटिव्स हैं, कितने कजिन वजिन सब उसमें आ गए रिलेटिव में, तो जब आप ऐसे करके लिस्ट बना लेते हैं ना अपनी, एक सिंपल से A4 शीट में लिख लीजिए सिंपल, तो क्या आप कर सकते हैं नेक्स्ट. क्योंकि ये टाइम है जहाँ पे हम लोग सभी लोग फ्री हैं, जो लोग जॉब में हैं, जो लोग एम्प्लॉयज हैं, प्लान अ वेबिनार. यू कैन प्लान अ वेबिनार, या फिर यू कैन अप्रोच देम, यू कैन स्टार्ट ए कन्वर्जेशन. ओके, जो लोग, मान लीजिए मैं नोएडा में रहता हूँ, मैंने लिस्ट बना ली यार ये नोएडा के ये सब लोग हैं जो नोएडा में ही रहते हैं, इट डजंट मैटर कि मेरी सोसाइटी में या कहीं और है ना, उनको सिर्फ मुझे क्या करना है, जस्ट इनिशिएट अ कन्वर्जेशन, नेचुरल कन्वर्जेशन करते हैं कि हाय अभिषेक, हाउ आर यू, कैसा चल रहा है आपका, और घर पे, मतलब नोएडा में ही है, आपके सोसाइटी में कैसा चल रहा है, जस्ट इनिशिएट अ कन्वर्जेशन. ओके, हाउ इज इट हैपनिंग. जब आप ये कन्वर्जेशन इनिशिएट करते हैं, नाउ एक लीड सोर्स मैंने आपको बताया फेसबुक फ्रेंड, ऑलरेडी आपको ये पता था, बट इट इज अ कंप्लीट स्ट्रेटेजी. सबके फेसबुक फ्रेंड्स हैं, बट कैसे उनसे बातचीत करनी है ये सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, जस्ट इनिशिएट अ नॉर्मल कन्वर्जेशन, एंड देन आप उनको बता सकते हैं कि यार, वो भी आपसे पूछेगा ना, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, यार हमारे यहाँ भी राशन पानी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दुकानें वुकानें खुली हुई हैं, बट ये है कि
बाकी टाइम निकालने के लिए यही कर रहे हैं कि शाम को एक वो देख लेते हैं, कभी ये देख लेते हैं। बाकी आजकल वेबिनार सुन रहा हूँ, आजकल वेबिनार्स के थ्रू कुछ ऑनलाइन बिजनेस बिल्डिंग के बारे में कुछ अपनी स्किल्स अपडेट कर रहा हूँ। क्या पूछेगा वो, वही कौन सा वेबिनार है, क्या है? हाँ यार, एक एक है वेबिनार इस बार, इस संडे एक वेबिनार हो रहा है, उसमें आप आइए। ऐसे करके कन्वर्जेशन को कन्वर्जन में इन कन्वर्जेशन को इन्विटेशन में कन्वर्ट करना, दिस इज अ स्किल जो कि आपको आनी चाहिए। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो एक लीड सोर्स है ना, फेसबुक फ्रेंड्स, इनको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा आपको। ओके, इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। सेकंड, फेसबुक ग्रुप्स। नाउ फेसबुक फ्रेंड्स तो सबको पता ही होगा, बट मैंने आपको कुछ आइडियाज दिए अभी। नेक्स्ट इज फेसबुक ग्रुप, और फेसबुक ग्रुप इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट वे टू जनरेट लीड्स, बहुत जबरदस्त वे है। नाउ इसमें मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। कुछ फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, कोई फेसबुक ग्रुप ऐसा मत ज्वाइन करिए जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग हो। नेटवर्क मार्केटिंग, MLM ऑनलाइन, इससे ऐसा कोई ग्रुप में मत जाइए, क्योंकि वहां पे सब नेटवर्क मार्केटर्स ही हैं। दीज आर नॉट रिलेवेंट फेसबुक ग्रुप्स। यू कैन गो टू अ फेसबुक ग्रुप जो कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास गाड़ी है इको स्पोर्ट, एग्जाम्पल फोर्ड इको स्पोर्ट, तो मैं एक फेसबुक ग्रुप के अंदर चले आऊंगा जिसका नाम होगा फोर्ड इको स्पोर्ट कार ओनर्स। ओके, फोर्ड लवर्स, दीज आर दी ग्रुप्स। इंटरेस्ट स्पेसिफिक ग्रुप पे जाइए। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सदगुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव जो है, उनका मेडिटेशन प्रोग्राम इनर इंजीनियरिंग मैंने कोर्स किया था, सो आई विल गो टू ए ग्रुप जो कि होगा सदगुरु सदगुरु डिवोटीज इनर इंजीनियरिंग पार्टिसिपेंट्स। दिस इज द राइट फेसबुक ग्रुप टू ज्वाइन। डू यू एग्री विद मी? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वो आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आई है। भाई जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर नॉट, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस देम, डोंट एट ऑल ट्राई टू इम्प्रेस देम। क्योंकि आप एक एक फोटो डालते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स वही लोग कर रहे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में है। दे आर नॉट योर टारगेट ऑडियंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपके टारगेट ऑडियंस है कौन। ऐसी और एग्जाम्पल हो सकता है शेर और शायरी। ओके, शेर और शायरी के ग्रुप में जाइए ना, वहां पे नेटवर्कर्स नहीं मिलेंगे आपको। शेर और शायरी हो गया, सदगुरु टाइप का हो गया, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास आईफोन है, आईफोन लवर्स इन नोएडा, आईफोन लवर्स इन देहरादून। ओके, दीज आर दी ग्रुप्स विच यू शुड ज्वाइन। एटलीस्ट गेम लवर्स, यस गुड आइडिया, एटलीस्ट पांच पांच फेसबुक ग्रुप को आज आप ज्वाइन करिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि हम लोग उन लोगों को मैसेज कर देंगे, आई एम लुकिंग फॉर 10 डायनेमिक पीपल हु वांट टू अर्न 30-40,000 रुपीज। नो नो नो, ऐसे हम बात स्टार्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट हम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद वी विल एड ऑन सम वैल्यू, गिव योर इंट्रोडक्शन उस ग्रुप के अंदर, कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय, माय नेम इज तरुण अग्रवाल, आई जस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप एंड नाइस टू सी दैट यू ऑल आर ऑल्सो आईफोन लवर्स। विच आईफोन, इनिशिएट करिए, विच आईफोन आर यू यूजिंग? आई एम यूजिंग आईफोन एक्स। विच फोन आर यू यूजिंग? विच इज द बेस्ट आईफोन मॉडल टिल नाउ, कुछ ऐसे। ओके, जस्ट कन्वर्जेशन 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 उस ग्रुप के अंदर जाकर। ऑलराइट, सो ज्वाइन फेसबुक ग्रुप एटलीस्ट 5। हो सकता है लोकेशन स्पेसिफिक आप करें, या हो सकता है कॉलेज और स्कूल। मान लीजिए आपका कोई भी कॉलेज या स्कूल था एंड यू आर 2006 पास आउट, एग्जाम्पल, बट 2002, 2003, 2004 पास आउट के भी ग्रुप्स बने होंगे। भले उसमें 100 लोग हैं, भले उसमें 200 लोग हैं, 100-200 लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करना ज्यादा अच्छा रहेगा रादर देन 10,000-15,000 लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे आपकी पोस्ट गायब हो जाएगी। 100-200 लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करिए एंड वहां पर कुछ वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करिए। इवन अगर आप किसी अपने स्कूल के किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं ना, जहां पे लिखा हुआ है दून इंटरनेशनल स्कूल 2002 पास आउट, अब वो आपकी सीनियर्स हैं मान लीजिए, बट आप भी तो दून इंटरनेशनल स्कूल से पढ़े हुए हैं ना, जस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप। ग्रुप आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी एंड देन जस्ट टाइप हाय, आई एम 2004 पास आउट एंड हाउ मेनी ऑफ यू मिस योर स्कूल, इतना लिखिए। क्या लिखेंगे? एवरीबॉडी विल से यस, आई मिस। हु इज योर फेवरेट मैथ्स टीचर? इनिशिएट, इंगेज पीपल। उससे होगा क्या, उससे होगा ये, मैनी पीपल विल इंगेज इन योर कन्वर्सेशन एंड देन सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट टू देम। ओके, एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, गारंटीड। एंड दीज आर योर टारगेट ऑडियंस। आर यू फाइंडिंग इट वैल्यूएबल? देखिए, फेसबुक फ्रेंड ग्रुप्स, यू ऑलरेडी नो ऑल दीज थिंग्स, बट मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजिकल चीजें बता रहा हूँ जो कि बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं कर रहे हैं ये सब चीजें। ओके,
Just type value if you are finding it valuable. Third, एक एक चीज आपके लिए बहुत valuable होने वाला है, warm market. Warm market, obviously अभी तो हमने निकाला Facebook के through, but warm market आप निकाल सकते हैं using your contact list, जो लोग आप already जानते हैं, या फिर even fourth भी उसको open कर देते हैं, warm market referrals. Now मैंने mostly जो अपना काम किया starting में, मैंने warm market referrals के through बहुत बढ़िया काम किया. I mean to say, मान लीजिए मेरा एक भांजा है अर्चित, मैंने अर्चित को फोन कर दिया. मान लीजिए अर्चित को फोन करें, अर्चित और भी अर्चित कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, वो एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है. मान लीजिए यार अर्चित, इस वीक मैं एक वेबिनार करने वाला हूँ और उस वेबिनार में मैं तुमको एक टास्क देना चाहता हूँ, एक असाइनमेंट. मेरा भांजा है छोटा, ठीक है, और तुम्हारा टास्क ये है 5 लोगों को, यार तुम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ना तुम्हें बस एक फोटो सेंड करनी है, मैं तुम्हें फोटो बना के दे रहा हूँ और तुम्हें वो उसमें लिख क्या होगा, बिजनेस टॉक बाय तरुण अग्रवाल, कुछ इस तरीके से मैं फोटो तुम्हें बना के दे दूंगा. तुम्हें अपने कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है और उसका टॉपिक वेबिनार का है हाउ टू स्टे एट होम एंड हाउ टू इनिशिएट एन एक्स्ट्रा रेवेन्यू स्ट्रीम स्टेइंग एट होम, कुछ ऐसा मैं टॉपिक कुछ भी होगा ऐसे मैं दूंगा जो कि रिलेवेंट होगा सभी तुम्हारे दोस्तों के लिए. उनको तुम्हें डालना है ग्रुप में और नीचे लिखना है माई मामा, मेरे मामा इस वेबिनार को कर रहे हैं, आप में से कोई इंटरेस्टेड है, बहुत जबरदस्त स्पीकर है, सुनिएगा. अब वो कहने की बात है, बहुत जबरदस्त स्पीकर है, भली है कि नहीं अलग बात है, लेकिन जस्ट लोगों के रेफरल्स को यूज करिए. दिस इज सुपर सुपर, मैं बोलूंगा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच. इससे रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से आता है. इवन मेरे फादर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सब बुड्ढे ही लोग हैं. ओके, तो उस ग्रुप को यूज करिए ना. हमको लगता है कि हमारे पास कौन से व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं. मैं बोल रहा हूँ ये सोचिए कि हमारे साथ जितने लोग हैं, हमारे भाई बहन कजिन मम्मी पापा, उन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर घुस जाइए ना और उसमें पर्सनलाइज मैसेज लिखिए. ओके, उसके अंदर पर्सनलाइज मैसेज लिखिए कि हेलो एवरीबॉडी, मेरा बेटा तरुण इस बार एक ऑनलाइन लाइव आ रहा है, सुन लो इसको, बड़ा अच्छा बोलता है. बस खत्म. उनको सिर्फ इतना ही बोलना, उनको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है. ओके, और उसके बाद बस उनको रिमाइंडर भेजना है उस टाइम पे जो वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, वो आधे घंटे पहले, इतना ही तो करना है. वो लोग करेंगे ये काम. नाउ ऐसे ही आपके जो कस्टमर्स हैं ऑलरेडी, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में आपके कुछ कस्टमर बने हुए हैं, तो एक होता है कि हम कस्टमर को बोलें कि कैन आई हैव सम रेफरल्स, ये दिस इज नॉट ए राइट वर्ड, कैन यू इंट्रोड्यूस मी, दिस इज द राइट वर्ड, कैन यू इंट्रोड्यूस मी विद 5 पीपल जिनको सिमिलर प्रॉब्लम लग रही है जैसे आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आप हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. अब पूछिए तो, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कहाँ से लीड्स मिलेंगी और बस इधर उधर भटकते रहते हैं सोशल मीडिया में. नो, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच. ओके, सो वॉर्म मार्केट रेफरल्स मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है. इवन कोई अंकल है, कुछ भी है, उनसे बस मैं इतना ही पूछा था, आपकी जानकारी में कोई, जैसे एग्जाम्पल ऐसे मजाक में, मामा जी आपकी जानकारी में कोई ऐसे 10 लोग हैं जो डेली नहाते हैं. अरे भाई डेली नहाते हैं, हर दिन नहाते हैं, सब लोग नहाते हैं, तो बस 10 लोग ही तो चाहिए जो डेली नहाते हैं, तो साबुन यूज कर ले हमारा. राइट, सो उनके रेफरेंस से हम लोग काम कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से. ओके, यस यू कैन डू इट, कैन यू डू इट. ये सब चीजें कोई तोप रॉकेट साइंस कुछ चीजें नहीं है, ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप भी कर सकते हैं और कोई भी टीम मेंबर, इवन वो नया है या एक्सपीरियंस्ड है, एनीबॉडी कैन डू इट. ओके, नेक्स्ट, Instagram, Twitter and LinkedIn. Now, ये तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया है because the thing is, Instagram, Twitter and LinkedIn में मैंने यहाँ पे लिखा है hashtag. Now, ये मैं आपको बताता हूँ, now this is something related to cold market. और इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने यूज किया है और काफी सारे लोगों को मैं इसके ऊपर ट्रेनिंग देता हूँ. बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा जो मैं इसको बोल रहा हूँ, बहुत मजा आएगा. यू नो hashtag क्या होता है, hashtag, hash के आगे आप कुछ लिखते हैं. ओके, वो जो वर्ड आप यूज करते हैं, हो सकता है कि वो एक इंटरेस्ट हो सकता है कि वो एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि वो एक लोकेशन हो सकता है कि वो एक हॉट टॉपिक हो, जैसे कोरोना वायरस इज अ हॉट टॉपिक. ओके, तो हैशटैग, जो भी रिलेवेंट हैशटैग हैं, जो आप उसको सर्च करते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर फिर भी इतना ज्यादा नहीं, आप उसमें इतना रिजल्ट नहीं आएगा शायद, बट इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है. अब हैशटैग कौन सा सर्च करें. ओके, जैसे मैं हैशटैग सर्च कर सकता हूँ हैशटैग HCL, क्योंकि मैं HCL में पहले जॉब करता था. ओके, सिमिलरली आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो हैशटैग योर कॉलेज नेम.
नाउ आपको वहां पर वो सारे पोस्ट मिलेंगे, पोस्ट जो कि जिन्होंने वो हैशटैग यूज किया हुआ है. नाउ ओपन दैट पोस्ट, और वो पोस्ट ओपन करने के बाद जस्ट गो थ्रू द प्रोफाइल, देखिए कि वो प्रोफाइल जेन्युइन है कि नहीं. आपको पता चल जाता है क्या वो नेटवर्क मार्केटर तो नहीं है, वो भी नेटवर्क मार्केटर की प्रोफाइल पता चल जाती है क्योंकि वो मोटिवेशनल कोड डालेगा रॉबर्ट डी कियोसाकी की, एक दो फोटो पड़ी होंगी. तो नेटवर्क मार्केटर नहीं होना चाहिए, सिंपल एक नॉर्मल एक कॉलेज स्टूडेंट. और आपने देखा कि यस ही इज अ जेन्युइन लीड फॉर मी, एंड नाउ आप क्या कर सकते हैं, उसको एक पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम. नो नेटवर्क मार्केटिंग राइट नाउ, आप उसको भेज सकते हैं, हाय राहुल एग्जांपल, हाय राहुल I was searching for hashtag HCL and I saw your post and I just gone through your profile. I am also ex-HCLite. पहले मैं भी HCL में था. In 2015 I left HCL and now I am into a full-time digital consultancy business. But now the thing is I found your profile and let's connect. Simple. आप simple से इतना message करेंगे तो सबसे पहले let's connect people with your social media platform. अपने पहले ecosystem में पहले लोगों को join कराइए, maximum लोगों को, and इसका result धीरे धीरे करके बहुत अच्छा आएगा आपको आगे आने वाले time में जब आप regular social media पे post डालते रहेंगे. Okay? तो hashtag के through you can search relevant leads. Can you do it? Yes? Very easy to do. Correct? Can you do it? Just type yes or no. So these all are very great sources to generate leads. Okay, next is OLX. Now ho kya raha hai ki OLX, you know ki OLX is a, main aapko dikhata hu iske bare mein. Starting mein mere team mein kuch logon ne isko use kiya aur unko acha result aaya. OLX, you know ki purane saman ko bechne ke liye hota hai waise to, but OLX mein agar aap jaate hain aur yahan pe aap search karte hain yahan par, okay, ऑल कैटेगरीज पे जब जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जॉब्स. ओके, जॉब्स. हालांकि OLX की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग OLX में आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड चीजों को नहीं डाल सकते, बट मैं बोलूँ नेटवर्क मार्केटिंग मत डालिए. ओके, यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग में आप जॉब ओपनिंग डाल सकते हैं. जस्ट ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे लोगों ने क्या किया हुआ है. यहाँ पे लोगों ने डाला हुआ है जब LIC के एजेंट यहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम. ओके, तो यहाँ पे डालने में कोई हर्ज नहीं है. पार्ट टाइम डेटा एंट्री, तो यहाँ पे एक जॉब ओपनिंग डालने में कोई हर्ज नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से लीड्स जनरेट होती हैं. यहाँ पे लोग खुद आपको अप्रोच कर सकते हैं. जस्ट गो थ्रू OLX को, पूरा गो थ्रू करिएगा. एक फ्री जॉब ओपनिंग आप वहाँ पे डाल सकते हैं एंड रिजल्ट आता है. ओके, 100% रिजल्ट आता है. ये करेक्ट, हर्षित है स्ट्राइड. यस, ऑलराइट. सो OLX को भी ट्राई करके देखेगा. यहाँ पे डाल के तो छोड़ दीजिए ना, यहाँ पे कुछ जात हो ना रहा है, कोई रुपया थोड़ी ना मांग रहा है कोई. नाउ नेक्स्ट इज कोरा. कोरा पब्लिक फोरम, एनीबडी यूज्ड इट? कोरा किसी ने यूज किया है? व्हाट इज कोरा? सो कोरा इज अ पब्लिक फोरम जहां पर Q&A, मतलब क्वेश्चन आंसर, समबडी कैन पुट अ क्वेश्चन एंड अदर पीपल कैन आंसर दोस क्वेश्चन. यहाँ पर बहुत सारे कोरा प्लेटफॉर्म को कुछ नेटवर्क मार्केटर्स मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे से इसको यूज कर रहे हैं. इट इज ऑल अबाउट गिविंग गुड क्वालिटी वैल्यू. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कोरा में कि आप किसको अप्रोच करना चाहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि कोरा में हम अप्रोच किसको करना चाहते हैं. अगर आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ही कुछ सर्च करेंगे सो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड लोग ऑलरेडी बहुत सारे सब नेटवर्क मार्केटर्स ही मिलेंगे वहां पर आपको. ओके, सो गो टू कोरा एंड सोचिए कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है? IT एम्प्लॉई. एग्जाम्पल जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपके टारगेट ऑडियंस कौन होंगे? वही लोग होंगे जो आप ही के एज के या आप ही के थॉट प्रोसेस वाले होंगे. करेक्ट. सो मेरे जो टारगेट ऑडियंस होंगे वो लोग होंगे IT के लोग, सॉफ्टवेयर. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या सर्च करूंगा इज IT. ओके, इज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन है, इज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लूजिंग इट्स चार्म? ओके, इज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्लोज टू ओवर सैचुरेशन? ये अच्छे क्वेश्चन है. यहाँ पे कौन लोग देखेंगे? वही लोग देखेंगे ये सब क्वेश्चन को. यहाँ पे किसी ने कोई आंसर नहीं दिया हुआ है ना. कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन देखना होगा जिसमें कुछ
रिलेवेंट से और भी देख सकते हैं यहाँ पर, इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मार्केट ओवर सेचुरेटेड, वॉट इंडस्ट्रीज ना, यहाँ पे लोगों ने कुछ आंसर दिए हुए हैं. वॉट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट क्लिक ऑन आंसर और यहाँ पर आप एक अच्छा एक आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं. यू कैन जस्ट कुछ वैल्यूएबल कॉन्टेंट आपको यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा, ऑब्वियसली शेयर योर थॉट्स कि क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मार्केट ओवर सेचुरेटेड हो रही है. तो यू कैन स्टार्ट विद हाई आई एम तरुण, आई एम डॉटनेट डेवलपर विद 8 years of experience, कुछ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं. एंड एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई टेक ऑन दिस थिंग, आई थिंक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज ऐसे करके जो भी आपने थॉट शेयर करिए, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तीन हेयर आर माई थ्री थॉट्स ऑन दिस ऐसे करके. एंड नाउ I quit my job in 2015 and later I am now into a business which I am building online. Again, this is something related to what I have learned in my tenure in IT industry. Okay, now I am a digital coach, digital consultant. I am also right now I am in IT. I am using my IT skills, but to build my global business. If you want to know more about this, if you are interested in this, then you can connect with me on WhatsApp. Some valuable content and WhatsApp. Valuable content and call to action. बहुत अच्छे लीड जनरेट होते हैं यहाँ से. बट मैनी पीपल आर यूजिंग कोरा इन अ वेरी वेरी बैड वे, बिकॉज वो लोग क्या कर रहे हैं, सीधा का सीधा बस अपनी पब्लिसिटी करते रहते हैं. ओके, सो अपनी पब्लिसिटी मत करिए, क्रिएट सम वैल्यू फर्स्ट. और जैसे जैसे आपको अपवोट मिलते रहेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा आपका आंसर, पीपल विल रीड ऑल दिस थिंग्स एंड स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि लोग खुद आपको अप्रोच करें. इससे बड़े और क्या होगा, लोगों को आप अप्रोच करें उससे बड़े लोग आपको अप्रोच करें. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड हु इज योर टारगेट ऑडियंस. ओके, नेक्स्ट, आर यू फाइंडिंग इट वैल्यूएबल? ओके, आर यू फाइंडिंग इट यूजफुल? क्या ये सब चीजें यूजफुल है कि नहीं, जस्ट टाइप यूजफुल इफ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल. ओके, अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है तो ओके, वरना मैं तो आपको वही चीजें गाइड कर रहा हूं जो मुझे पता है कि काम करती है, रियली में काम करती है. ओके, और इन सब चीजों को ट्राई करिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत टेक्निकल चीजें कुछ नहीं है. एट वे टू जनरेट लीड इज कंटेंट मार्केटिंग. कंटेंट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसा कंटेंट डालें सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक में, इवन आप ये भी कर सकते हैं. देखिए, दिस इज अ टाइम टू ग्रो योर पर्सनल वैल्यू. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, यस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन. बट एट द सेम टाइम Let me tell you one secret. वैसे तो मैंने बोला कि secret कुछ होता नहीं, but let me tell you one deep understanding on this, that network marketing business, कुछ time के बाद, एक साल दो साल के बाद, this business is built on influence. Okay, so you have to work on your personal value, grow your personal value and grow your business. Okay, so चाहे कितना भी अच्छा हमको नॉलेज क्यों ना हो, अगर हमारी पर्सनल वैल्यू ग्रो नहीं हो रही है, अगर आपको लोग नहीं जानते हैं, ओके, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके क्या होगा, योर बिजनेस विल गो डाउन. ओके, आपको हर बार होगा क्या कि हर बार ढूंढना पड़ेगा कि लीड्स कहाँ हैं, प्रॉस्पेक्ट्स कहाँ हैं, हर बार. तो ये नेटवर्क मार्केटिंग भी जॉब की तरह हो जाएगी. बट वंस यू ग्रो योर पर्सनल वैल्यू, वंस यू ग्रो योर इन्फ्लुएंस, पीपल विल ट्रीट यू एज अ लीड मैग्नेट. आप एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं और लोग आपसे चिपकते हैं. So you have to work on your personal value, okay? And content marketing ये एक ऐसा term है, एक ऐसा strategy है जिसके through what you can do is create some valuable content considering your target audience. आपके जो भी target audience है उनके लिए क्या relevant है, okay? Impress people with value, don't impress people with show off, okay? So content marketing, how to post something which can make people curious to know कि भाई करते क्या हो. ओके, किस तरीके से कुछ ऐसा कंटेंट डालें जैसे कि लोग आपसे कनेक्टेड फील करें. सो बिजनेस इज लॉजिकल बट पीपल आर इमोशनल. एवरी मार्केटर नोज द स्किल ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग. एवरी मार्केटर नोज दैट वी हैव टू टैप द इमोशनल एंगल. ओके, सो कंटेंट मार्केटिंग इज समथिंग विच यू मस्ट लर्न. और मैं आपको बोलूंगा कि डेली स्टोरीज डालना स्टार्ट करिए, डेली कॉन्टेंट डालना स्टार्ट करिए, गो लाइव, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाइव जाइए और लोगों को कुछ वैल्यूएबल नॉलेज दीजिए. रिलेट और वो वैल्यूएबल नॉलेज उन लोगों के लिए होना चाहिए कंसीडरिंग योर टारगेट ऑडियंस. अगेन, फर्स्ट स्टेप इज टू हैव क्लियरिटी. बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर कि आप किसको अपनी टीम में लाना चाहते हैं.
एक स्टूडेंट को, एक एम्प्लॉय को, एक किसको किसको किसको, उसकी उसी के हिसाब से देन यू मस्ट क्रिएट सम कंटेंट. उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस होता है, ओके okay? उसकी मेन, अगर वो इस बिजनेस में आएगा तो वो किस तरीके से क्या क्या सोचेगा, ओके okay? इसको पहले आपको सोचना होगा एंड देन यू कैन क्रिएट सम कंटेंट. वरना लोग क्या करते हैं, बस लाइव जा रहे हैं, हेलो एवरीबॉडी मैं लाइव हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी कंपनी के बारे में, एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिस बिजनेस ने हमारी लाइफ को चेंज किया है और आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकता है. एक धमाकेदार बिजनेस अभी भी इंडिया में आया है. इस तरीके के शब्द को एक प्रोस्पेक्ट नहीं, एक नेटवर्क मार्केटर जरूर देखेगा. ओके, सो आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, क्रिएट कंटेंट, मेक पीपल क्यूरियस विद सम वैल्यूएबल कंटेंट. ओके, अब इसके अंदर डीप में अभी नहीं जा पाऊंगा, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. व्हाट्सएप ग्रुप्स, अब हर कोई किसी ना किसी का व्हाट्सएप ग्रुप होगा ही, किसी ना किसी ग्रुप में आप लोग होंगे. मैं भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ जिसका नाम है IT jobs opening. ओके, तो आप चाहे तो ये व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, चाहे तो आप खुद एक व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए या फिर अपने किसी फ्रेंड को फोन करिए, भाई तू किसी व्हाट्सएप ग्रुप में है जहाँ पे आईटी जॉब से रिलेटेड कुछ है या फिर कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुप है. यार यार एक चीज बता, जैसे आप किसी अपने कॉलेज के फ्रेंड को फोन करिए, यार एक चीज बता यार, अपने कॉलेज के सब दोस्त लोग किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तुम लोगों ने? अरे हाँ यार, एक व्हाट्सएप ग्रुप है कॉलेज का, अरे मुझे ऐड करना है यार. गेट इनटू सम व्हाट्सएप ग्रुप्स. ओके, किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर घुसिए और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर घुस के करना क्या है, क्रिएट सम वैल्यू, क्रिएट सम वैल्यू. पहले तो नॉर्मल डिस्कशन करिए कि हेलो एवरीबॉडी, अरे यार बड़े दिनों बाद अच्छा लग रहा है, सब कॉलेज के फ्रेंड मिले हैं और सब लोग कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से शहर में है, अपने शहर का नाम लिखिए, ऐसे करके. ओके, जस्ट एंगेज. तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जस्ट स्टार्ट एंगेजिंग विद पीपल. और अननेसेसरी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले मैसेजेस करने से अच्छा है आप वो चीज लिखिए जो कि उन लोगों को एक तरीके से मजबूर कर दे कुछ रिप्लाई करने के लिए. ओके, जैसे कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ स्कूल की मेरे फ्रेंड्स हैं, वहां पर मैंने एक मैसेज डाला, हेलो फ्रेंड्स हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, या मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ ऐसे. ओके, हेलो फ्रेंड्स हाउ मेनी ऑफ यू आर, आई नीड अ सजेशन, या मेरा आईफोन में स्पेस बिल्कुल खत्म हो रहा है, एनीबडी यूजिंग आईफोन, क्या ऐसी कोई मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे थोड़ा सा स्पेस क्लियर हो जाए. इतने लोगों ने मैसेजेस मुझे करे ना, अरे भाई तरुण भाई ये डिस्क क्लीनर यूज कर लो, ये यूज कर लो, वो यूज कर लो. ओके, अब उस केस में क्या होता है, कन्वर्सेशन, हाउ भाई तरुण क्या कर रहा है यार आजकल, क्या चल रहा है भाई तेरा, ऐसे आप लेके तो चलिए आगे कन्वर्सेशन को. लोग आपको इग्नोर तब करेंगे जब आप नेटवर्क मार्केटर दिखेंगे, आप नॉर्मल ह्यूमन बींग दिखिए सबसे पहले. ओके, एंड टेंथ, बिजनेस कार्ड्स एंड पैम्फलेट्स. नाउ ये मैं स्टार्टिंग में यूज करता था, मैंने भी अपना विजिटिंग कार्ड बनाया था और उसमें मैंने लिखा था एंटरप्रेन्योर तरुण अग्रवाल, एंटरप्रेन्योर कंपनी का नाम और ये सब चीजें. और स्टार्टिंग में मैंने कुछ विजिटिंग कार्ड के थ्रू काम किया, बट अल्टीमेटली मुझे लगा कि विजिटिंग कार्ड बनाने से अच्छा है कि अपना आज के टाइम में सोशल मीडिया इज नाउ योर विजिटिंग कार्ड, योर डिजिटल विजिटिंग कार्ड इज नाउ योर सोशल मीडिया प्रोफाइल. सो जब मैंने बाद में अपने पूरे बिजनेस को ऑनलाइन करने का सोचा, देन आई स्टॉप्ड यूजिंग दीज डिजिटल कार्ड, सॉरी विजिटिंग कार्ड्स. ओके, आप ऐसे कोई यूज करते हैं विजिटिंग कार्ड्स को? देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम करेगा नहीं कर रहा है, काम कर रहा है कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑफलाइन मोड में काम कर रहे हैं. ओके, विजिटिंग कार्ड लोगों को बांटते रहिए, ये लीजिए मेरा कार्ड, ये लीजिए मेरा कार्ड. तो आपके कार्ड को मैं देखता हूँ कि मुझे भी कोई कार्ड देता है आज के टाइम में विजिटिंग कार्ड, मैं उसके कार्ड को संभाल के नहीं रखता हूँ, मैं उसको फेंक दिया था. ओके, मैं उसको संभाल के नहीं रखता हूँ. लेकिन एक मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिप दे रहा हूँ जो कि मैंने भी सोचा है करने के लिए, अभी मैंने नहीं किया. एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप पता है क्या है, यू वॉन्ट टू नो अ सीक्रेट हेयर हाउ टू यूज विजिटिंग कार्ड. यस, मैं ही आपको बोल रहा हूँ कि विजिटिंग कार्ड इज आउटडेटेड नाउ, बट मैं आपको एक ऐसी नॉलेज दे रहा हूं कि विजिटिंग कार्ड के थ्रू यू कैन ग्रो योर बिजनेस. ओके, मैंने अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, मेरी टीम में एक दो लोग हैं उन्होंने इंप्लीमेंट किया है. ओके, मैं आपको बताता हूँ द सीक्रेट हेयर, नो सीक्रेट, सम टिप्स हेयर इज, एक विजिटिंग कार्ड बनाइए. यू नो हाउ टू क्रिएट अ क्यू आर कोड करके होता है जहां पर बस एक विजिटिंग कार्ड आप बना सकते हैं और वहां पर आप उस विजिटिंग कार्ड में योर नेम, एक होता है विजिटिंग कार्ड जो कि ऐसे होता है, मैं बोल रहा हूँ विजिटिंग कार्ड में ऐसे लिखिए वर्टिकल मोड में ऊपर योर नेम और
योर सोशल, एक आपका डेजिग्नेशन, मतलब जो भी आप अपने आपको बोलना चाहते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ अपने आपको डिजिटल नेटवर्कर, या मैं बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटर्स को ये बोलता हूँ, बाकी लोगों को मैं बोलता हूँ मैं डिजिटल कंसल्टेंट, डिजिटल कोच, ओके, और नीचे लिखता हूँ फेसबुक का लिंक और इंस्टाग्राम और ये सब, लेकिन आई एम फोकसिंग ऑन यूट्यूब, तो मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और उसमें QR कोड, दिस इज वॉट आई कैन डू, QR कोड, ओके, QR कोड जनरेशन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, QR कोड बना सकते हैं, उससे क्या होगा कि कोई भी पर्सन अपने फोन से अगर कैमरे से उसको देखेगा ना, तो एकदम से वो आपका यूट्यूब का चैनल ओपन हो जाएगा। तो आपको उनको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई यूट्यूब खोलो, तरुण अग्रवाल सर्च करो, स्ट्रेट अवे दैट पर्सन विल गो टू यूट्यूब। सो इफ यू आर यूजिंग योर विजिटिंग कार्ड, देखिए बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, दे ऑल्सो यूज विजिटिंग कार्ड्स, बट उनकी विजिटिंग कार्ड के ऊपर बहुत क्लियर अच्छा डिजाइन विजिटिंग कार्ड होता है, नो नेटवर्क मार्केटिंग, नथिंग, कुछ मत शो करिए, लेकिन वहां पे ये शो करिए योर पर्सनल वैल्यू, वो इंक्रीज उभर के दिखनी चाहिए। एक QR कोड, QR कोड किसी को पता है QR कोड क्या होता है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं QR कोड। देखिए QR कोड जनरेटर, ओके, Anybody knows? Yes. Some people know, some people don't know. तो Google पे सर्च करिएगा QR कोड जनरेटर, ओके, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं QR कोड जनरेटर को, और यहाँ पर ये कोड बन जाएगा, और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक लिंक, ओके, एक URL, आप यहाँ पे एक URL डाल सकते हैं, जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैं एक URL डाल रहा हूँ https://www. चलिए ये करते हैं instagram.com और तरुण ग्रीन, ये मेरा URL है इसका, ठीक है। नाउ एनीबॉडी, क्या ये जो QR कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या आप अपना कैमरा ऑन करके इसको करेंगे, देखेंगे, करके देखिए आप, दिस इज लाइव, आई एम टेलिंग यू, ये जो QR कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसकी सिर्फ फोटो क्लिक करके अब मैं रख लूंगा और अपने विजिटिंग कार्ड में इसको छाप दूंगा, तो जैसे कोई इसको देखेगा, अपना कैमरा ऑन करिए, कैमरा, फोन का कैमरा, जूम पे देख रहे हैं उसको मिनिमाइज कर दीजिए, फोन का कैमरा ऑन करिए, फोटोज पे जाइए, और इस QR कोड को कैसे करेंगे यार, मेरे अगर फोन से ही अगर आप देख रहे हैं मेरे को तो अगर आप लैपटॉप से मुझे देख रहे हैं तो आप कर पाएंगे इसको, ओके, या दूसरे फोन से आप ट्राई कर सकते हैं, ओके, यस, दिस इज वर्किंग, यस, तो बस आप इसके ऊपर फोन लेके जाएंगे, कैमरा, ओके, एक काम करते हैं, मैं आपको और अच्छे से बताने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है, दैट्स व्हाई लेट मी टेल यू दिस वे, ओके, तो मैंने अपने फोन का स्क्रीन अब मैं आपको दिखा रहा हूं अपना, मैं क्या करने वाला हूं, कैमरा ऑन कर रहा हूं, और कैमरा ऑन करके मैं इस QR कोड को कर रहा हूँ सेलेक्ट, ऊपर देखिए अपने आप आ गया ना, ओपन इन इंस्टाग्राम, मैं जैसे ओपन इन इंस्टाग्राम पे क्लिक करूंगा, सीधा का सीधा मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी स्ट्रेट अवे, ओके, सीधा मेरी प्रोफाइल खुल गई, एंड यहाँ पे अब तो खैर मैंने अपने फोन से लॉग इन किया हुआ है, कोई और अगर इसको देखेगा देखें डायरेक्टली फॉलो मी, राइट, सो आई होप यू आर फाइंडिंग इट समथिंग वेरी वेरी डीप, यस, QR कोड को यूज करिए, यू कैन क्रिएट, यू कैन बिल्ड योर, क्रिएट योर विजिटिंग कार्ड, एंड इसको शेयर करिए, और उसमें ऊपर ऐसे करके एक एरो बना दीजिए कि स्कैन हेयर, कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन यूट्यूब, नाउ यूज विजिटिंग कार्ड टू ग्रो योर सोशल मीडिया फॉलोइंग्स, ओके, आर यू फाइंडिंग इट यूजफुल, और फिर उसके बाद जब आप बार बार सोशल मीडिया पे जब आप एक्टिव होते हैं, यू आर डूइंग गुड content marketing, in that case people will be connected with you, because people are emotional, business is logical, once people are feeling connected with you, and jab logo ko pata chalta hai ki yes you are a genuine human being, okay, wo aapki khud ki skill hai, once you grow your personal value, in that case people will be interested to know more about your business, right, so yes, hum log hamesha ye bolte rahenge ki visiting card ab kahan ye pehle chalta tha, नहीं, विजिटिंग कार्ड अभी भी यूज कर सकते हैं, बट इन अ प्रॉपर बेटर वे, जो कि डिजिटल वे में आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 10 सोर्सेस फ्रॉम वेयर यू कैन जनरेट लीड्स,
ये सब बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी, बट जो मैंने एक एक पॉइंट को जो डीपली कुछ आपको समझाया है, वो सब चीजें अगर आप उनको फॉलो करेंगे, मैं आपको मतलब 100% श्योरली मैं आपको बोलूंगा यू विल बी एबल टू जनरेट लीड। वो एक बिल्कुल अलग बात है कि उन लीड्स को आगे आप कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं, दैट इज अ टोटल डिफरेंट गेम। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, आपकी क्या स्किल्स हैं इनको आगे कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई पूछा अरे नेटवर्क मार्केटिंग तो मुझे नहीं करनी, अरे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या भैया? तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से आप उनको वेबिनार में लेके जाएंगे, किस तरीके से आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्किल। बट टुडेज टॉपिक वॉज 10 सोर्सेज टू जनरेट लीड्स इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके, इफ यू हैव फाउंड इट वैल्यूएबल जस्ट टाइप वैल्यू, और इफ यू थिंक that this is good for other people also, let me tell you, for next 20 days I will be live with you every day giving you more and more deep insights about such things. Okay, now this was all about the valuable content, and thank you very much for this.